सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, दुआ करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग की शुरुआत है ये इसलिए हो रही है कि थोड़ा आज मामला कुछ अजीब सा लग रहा है थोड़ा मोहल्ले में। नहीं बोल पाएंगे तो चलिए छोड़िए, हटाइए। और तो गाइस, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे साथ, राठी भाई के साथ। और आप देखेंगे मैं कैसी लोकेशन पर आ गया हूँ। तो भाई ये है मंडैया। अब मंडैया बोले तो क्या, हम आपको एकदम वहीं पे ले जाके दिखाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका सामना करना पड़ता है, और इन चीज़ों का सामना करने के लिए आदमी के अंदर क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए गाइस, तो ये है भाई साहब किसान का हवा महल। अब ये हवा महल क्यों है, क्या है, किस लिए है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो बनाए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड रुक जा भाई रजनीकांत की तरह कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो सो मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो चलिए आज की जो व्लॉग की शुरुआत है करते हैं। तो ये देखिए भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर टायर भी क्यों रखे गए हैं, ये क्या है रखा गया है, इस बिस्तर का क्या रोल है, ये देखिए थर्माकोल वगैरह A to Z सारी चीज़ें लगा करके इसे कवर किया गया है ताकि। तो भाई ये देखिए, ये गेहूं के खेतों में गेहूं बो चुके हैं, ठीक है, हम लोगों भी खेते हैं आसपास में। तो अब इधर है गुरु, बात ऐसी है कि पीछे जस्ट जंगल आप पहाड़ देख रहे होंगे, तो इधर से क्या है कि भाई जब वन्य जीव घुसपैठ करता है ना इधर, तो उससे रक्षा हेतु, अपनी नहीं हमारी रक्षा के लिए भाई साहब पुलिस प्रशासन बैठी है और बॉर्डर पर आर्मी वाले हैं। मगर ये जहाँ से पूरा देश पलेगा भाई साहब, अनाज यहीं उगता है, ये अनाज उगेगा बड़ा होगा फिर बाहर जाएगा, अपने देश तो खा ही रहा है भाई साहब, विदेशों को में भी जा रहा है। मोदी जी भेज रहे देश दबा दबा, आज इतना मेट्रिक टन पे अंग्रेज गेहूँ वहाँ पहुँचा दिया, आज धान वहाँ पहुँचा दिया, चीनी वहाँ पहुँचा दी, मगर गरीब के चूल्हे तक भयंकर गैस ऐसी पहुंच रही, बहुत महंगी, उसे सस्ता पहुंचाना चाहिए, पर ये बात दूसरी है छोड़ो। तो भाई इसकी जो रक्षा किसान करता है ना रात भर पूरा रिस्क लेकर के, जान माल रिस्क एकदम भाई। और गाइस रिस्क की कोई परिभाषा नहीं होती, कुछ भी हाथी शेर बाघ बिल्ली जानवर कुछ भी आ जाता है, तो उनसे रक्षा के लिए यहाँ पर यह बनाया जाता है। तो भाई रात को आदमी यहीं रहेगा, सारे डेंजरस भरी स्थिति में आप देख सकते हैं कैसे किसान को, हम लोग भी रहे हैं, हमने भी बनाई है। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ कि भाई गांव की लाइफ कैसी होती है और कैसे जो शहर वाले दे दबा दब ब्रेड ठूस रहे हैं तो भाई वो बेकार है। हमारा फ्रेश गेहूं उगता है और चक्की में जा कर के एकदम बढ़िया पिसाई करके और ताज़ी रोटियाँ बनती है, ब्रेड बन रही भयंकर 15-20 दिन पुराने माल मटेरियल की भयंकर पैर उसे गूंदा जाएगा, ये करा जाएगा, मेल्ट करा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक तरीके से सड़ा हुआ उत्पाद मान लो इसे, तो उत्पादन सड़ा हुआ नहीं खाने का है, फ्रेश गेहूं की रोटी खाने का है गाइस, ठीक है ना। और फ्रेश रोटी के चक्कर में जो ये हवा महल में आप देख रहे हैं भाई साहब क्या शानदार, मेरे को तो इसमें AC लगाए दे रहे, बिल्कुल एकदम मखमल का कम्बल सा दिख रहा है, कहाँ है भाई मखमल के कम्बल, ठीक है, RO भी लगा हुआ होगा यहीं कहीं, ठीक, A to Z। यहाँ पे देखो भाई साहब बिस्लेरी का पानी, वो तो खैर अभी आम बात हो गई ना, तो पहले मटकों में और बोतलों में आता था पानी वैसे भर के ना, जो पानी की। और जो ये गाइस ये देख रहे हैं आप, ये गिट्टी है, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो ये पत्थर हो सकता है। तो ये पत्थर इसलिए है कि बंदर वगैरह कुछ बड़ा जीव आ जाए जो छोटा हो, चार्टर वाला गुलेल मिल नहीं रही इधर, अब गुलेल होती तो मैं वो भी दिखा देता, मगर कहीं ना कहीं छुपाई होगी इसने। तो ऐसा है गाइस ये किसानों का भाई साहब, सनरूफ करके दिखाऊं एक बार मजा आ जाएगा गाइस, तुम भी कहोगे भाई साहब किसान ना कहते भयंकर ये क्या कर रहा हूँ, वाओ आहा, ये है सनरूफ झोपड़ा, क्या मजे आ रहे हैं, वाह। तो जैसा आप लोग अपनी ऑडी फॉर्च्यूनर लैंड रोवर एंड ओवर पता नहीं क्या क्या गाड़ियों के नाम है नए नए आ रहे हैं तो उसमें रहते हैं ना, तो वैसे अपन लोग इसमें रहते हैं भयंकर, फुल सुकून की ज़िंदगी है भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, भूकंप भी आ जाएगा दोबारा इंस्टॉलाइजेशन कर देंगे भाई, मगर बिल्डिंग एक बार गिर गई तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जान माल के आदमी ही निमट जाएगा। तो ये है देखेंगे गाइस चारों तरफ सनरूफ वाला झोपड़ा,
तो क्या बोलते हैं इसके लिए, एक लाइक कर दो। और वो है सन, ये देख रहे हैं सामने ना, तो गाइस ये सन है और ये ऑन रूफ, तो राठी भाई ऑन रूफ है आज। तो चलिए थोड़ा अंदर हो जाते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस बात रही हमारी, तो अभी एक ने बोला था मुझे सुबह कि राठी भाई यार तुम खतरनाक लगते हो, मतलब लुक तुम्हारा खतरनाक लगता है। हमने कहा हम नहीं है क्या भाई खतरनाक, मैंने लुक ही लुक है। मैंने कहा जब आदमी खतरनाक होगा तभी तो लुक खतरनाक आएगा। अब खतरनाक होने का क्या तरीका है मैं तुम्हें बताऊं। जैसे अभी सनरूफ में थे, इसमें बेचारे में रात भर रहना पड़ता है ना, तो इसके लिए हर कोई एलिजिबल नहीं रहता भैया कि कोई भी जाके आगे सो गया। मुद्दे का भयंकर है यहाँ खड़े खड़े, आवाज़ें ऐसी आती हैं, यहाँ नदी बिल्कुल पास में है, जंगल भी लगा हुआ है। सो यहाँ रहने के लिए चाहिए भाई साहब एकदम तेज कलेजा, बेदहाक पावर के साथ, और मन का चित होना बहुत जरूरी। पता लगा भयंकर हाथी खा के निमट के चले गया या कोई जानवर बगल से गुजर गया, आदमी पता ही नहीं सो रखा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कान खुले। तो भाई इसी की रक्षा के लिए यहाँ रहना पड़ता है। अभी भी देख लो भाई साहब पूरा अभी खेत है, एक उस कोने में भी बनी है, तो चलिए वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ क्या है। वहाँ पे भी एक मचान है, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये थोड़ा ये एक कोने में है, अब मेरे को दूसरे कोने में जाना है। तो चलता हूँ मैं पहले दूसरे कोने की तरफ, फिर दिखाता हूँ भाई तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या है यहाँ पे। तो सर इन जगहों पे गाइस पानी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है भाई यहाँ तक पानी पहुँचाने में। ये देखो कैसे बिल्कुल ट्रैक्टर से पूरा एकदम मेंढ बना करके, बोले तो डॉल या वोटर बोल सकते हैं। पर यहाँ पे प्लॉटिंग भी हुई है, पूरी ज़मीन वैसे रेजिडेंस में गई है, बट यहाँ पे बिजली की लाइन पूरी है। ये सिडकुल है इस साइड में, देखेंगे आप ये जर्मनी वाला रोड है। तो भाई ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो चलो गाइस फटाफट, कभी ऐसा नहीं है एक दो रातें भयंकर हम भी ऐसी कभी चले जाते हैं, देखते हैं भाई साहब कि क्या हो रहा वहाँ। तो गाइस ये लुक कैसा लग रहा है जरा कमेंट करके बताना जरा मेरे को, पता चले भयंकर सच में डेंजरस लुक है क्या। तो वो रहा झोपड़ा, तो एक ये है सामने। तो गाइस देखो यहाँ पे भी सेम वही हालात हैं एकदम, पर ये चारों तरफ से बंद नहीं है, आप देखेंगे ये खुला हुआ है। तो भाई यहाँ पे भी आदमी मतलब सोता है भाई रात को, और ये जस्ट ठीक सामने जंगल है, तो मतलब कैसे कैसे रिस्क है भाई। अनाज वगैरह उगा रहे हैं, मगर मैं अक्सर कहीं जाता हूँ जब भी किसी रेस्टोरेंट में, तो मैं अक्सर देखता हूँ वहाँ पे कि यार लोग खा पी के ना बर्बाद करके चले जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता मेरे को। तो ऐसा ना करें भाई, अन्य का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, ना तो फिर उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप देखेंगे इधर उधर बहुत जगह होती है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता, कृपया करके अन्य की बर्बादी ना करें। बच रहा है ना भाई साहब तुम्हारे घर में, तो उसे दो तीन जगह अलग अलग पैक करके दे दो। हमारे घर में क्या है, ठीक है भाई या तो आप कुत्तों को खिला लो, मगर ऐसा फेंकने का नहीं है। मैं अक्सर जब भी कहीं जाता हूँ, होटल में हूँ या रोड साइड पे खा रहा था, अगर हाँ मतलब ओवर हो गया और बच रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ भैया इसे पैक कर दो, अबे मेरा कुत्ता तो खाएगा उसे घर में, कम से कम बर्बाद होने से अच्छा तो कुत्ता खाएगा, भाई मुर्गी ये मुर्गी खा लेगी, उसका यूज़ होना चाहिए भाई। जो चीज़ यूज़ होने के लिए यूज़ करो ना, यूटिलाइज़ करो, क्यों उसको बर्बाद कर दो खाली बे मतलब अपनी शौक पूरे हो गए तो बस फिर कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं। दूसरे को देख लो, क्या पता भाई तुम्हारा कूड़ा दूसरे के लिए सोने के समान हो, तुम्हारी बचाई हुई रोटियाँ अब किसी भूखे को मिल जाए वो कहेगा भाई साहब। तो इन चीज़ों को समझो थोड़ा और फॉलो करो। तो गाइस फाइनली भाई तो हम आ चुके हैं आखिरी झोपड़े पे। तो अब ये झोपड़ा क्या है, अभी ये बन के तैयार हुआ है, ये देखो कैसे इसे बनाया गया है, ये फूस की रस्सी बना के इसे यूज लिया गया, और ये जो पतले पतले डंडे देख रहे हैं आप, तो इन्हीं चीज़ों का बस सहारा लेकर के उसे रहना पड़ता रात भर यहाँ, ठीक है। अब भैया अगला बंदा रात भर एक तो यहाँ रहेगा, अपने बीवी बच्चे फैमिली से दूर, ना हेल्थ पॉलिसी ना इंश्योरेंस पॉलिसी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जंगल गाइस ठीक सामने है, ये देख लो, बस ये जंगल के आखिरी कोने पर आ गया मैं, यहाँ से जंगल स्टार्ट है, ठीक कुछ नहीं, घर भी कम से कम यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो भाई रात भर ये ऐसी जगह काटना और बिना किसी संसाधन के, लाइट ही नहीं, पानी भी लागे तो लागे, बीड़ी माचिस अगर घर भूल गए तो फिर दोबारा महाभारत है कि बीड़ी माचिस लेने जाओ दोबारा, बहुत सारी चीज़ें भाई। किसान है, बीड़ी भी फूकेगा रात को, आग उसे सबसे पहले चाहिए। किसान का एक प्रिय पसंदीदा अगर कोई मित्र है तो वो है अग्नि,
अग्नि अक्सर ऐसी जगह पर वो जला के रखेगा। वो हमारे एक बहादुर भाई थे, भाई साहब 24 घंटे वो एंठा जला रहता था, जो खेत के चौकीदार थे ना, क्योंकि ना एक बार लगाई छोड़ी बैंक रहे, फिर गए अपना जंगल से, फिर लाए उठा के लगाया, बहुत सारी स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है। तो देख लो भाई, तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि भाई किसानों पे बहुत पैसा है ये वो, किसानों की सरकार बाजारी भाई साहब ढंग से ना कहीं इन्हीं पे ही है, मगर नहीं है। अगर होता तो यहीं भाई साहब एक परसों दिलजीत दोसांझ जगह वो बॉर्न साइड वाला वीडियो भयंकर, पूरी बस दिलजीत दोसांझ बना रखा भयंकर, किसान भी यहाँ किसान बना के खड़ा कर देता, लो भयंकर पैसे पुसे मारे बिल्लो सोचे दुनिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइस ये भी है, पहले कोशिश करी थी ये, देखो शायद किसान का बिस्तर ही टूट गया मेरे को ऐसा लग रहा, मगर कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी बनेगा ठीक है। जब यहाँ पे अति जब ये फसलें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी ना, यहाँ से लेकर पूरा सामने इंडस्ट्रियल एरिया वो वहाँ तक पूरा जितना इधर को दिखाई दे रहा है, थोड़ा इस साइड से उधर के लिए भी है, तो पूरा इतने एरिया को कवर करना पड़ता है, जिसमें 3 से 4 आदमी यहाँ रहते हैं भाई, अलग अलग चेक पोस्ट पर सबका अपना अलग अलग अपना ठिकाना है, आपस में कम्युनिकेशन भी चलता है, सीटी वगैरह संकेत हेलो अपने अपने कोड वर्ड होते हैं उनमें बात करते हैं ये लोग। तो गाइस फिलहाल आ गए हम खेत से बाहर, क्योंकि भाई शाम का टाइम है, बंदर वगैरह कुछ भी हो सकता है, जंगली जीव, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो अभी फिलहाल हवा महल पे ही चलते हैं, हवा महल पे ही व्लॉग बनाऊंगा अब, चलो ओ रहा सामने अपना हवा महल। तो भाई आ गए फाइनली अपने सनरूफ वाले झोपड़े में, तो इसे बोले मंडिया, मतलब हम लोगों की भाषा में ना, बाकी अदर भाषा में ऐसे क्या बोलते मुझे नहीं मालूम। तो गाइस फिलहाल पानी पी लिया जाए, नहीं याली बोतल में पानी साफ है, तो भैया देखो पानी भी काम आ गया फिलहाल। तो गाइस जो ये गिट्टियाँ मैंने आपको बताई थी ना कि गुलेल से, तो इसे एक तरीके से हम किसान का कारतूस भी बोल सकते हैं। और जो ये टायर हैं भाई साहब, इन टायरों का एक अलग ही रोल है, ये एक तरीके से ये समझ लो कि भाई जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें होती ना, तो ये भाई किसान की एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें, किसान इनका उपयोग एंड टाइम पे करता है, उससे पहले वो अपना नॉर्मली ऐसे वायलेंस वगैरह हैट हला बम पटाखे फोड़ के काम चला लेगा, पर जब कुछ लगेगा कि भाई स्थिति अब कंट्रोल से बाहर है तो तब इसका उपयोग होता है। अब इसका उपयोग कैसे होता है क्या होता है ये मैं नहीं बताऊँगा, ये बात की बात है और थोड़ा किसानों के राज की बात भी है, जिसे पता होगा वो ठीक है, बट ओपनली नहीं बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये देखो भाई चिड़िया कैसे उड़ के जा रही है, तो पूरा माहौल एकदम गाइस। सो गाइस चलते हैं, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और गाइस मात्र अब मेरे को शायद 27 सब्सक्राइबर्स की और ज़रूरत है और मेरे 1K पूरे हो जाएंगे। बाप को बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि इस बस अपनी मंजिल के कुछ ही निकट पहुँच चुका हूँ। और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोग भी वीडियोज़ देख पाएँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में फिर किसी नई लोकेशन और नए कंटेंट के साथ, नए सोच के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे बहुत जल्द, बाय।